पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर महिंद्रा ने 3 से 4 टीजर नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की लॉन्च किए। उसके बाद में कोई भी लीक पिक्चर्स है वो स्कॉर्पियो को देखने को नहीं मिली। हाल ही के अंदर नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं वो लीक हुई हैं। ये जस्ट एक प्रोडक्शन मॉडल है, पहली बार नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो बिना कॉमोफ्लैप के देखी गई है। लेकिन इन लीक पिक्चर्स में नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। काफी लोगों का कहना है कि फ्रंट से नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो एल्टुरा G4 जैसी लगती है, रियर की बात करें तो ये वेगनार जैसी लगती है, जबकि साइड से बात करें तो MG क्लस्टर की कॉपी की लगती है। तो सिमिलर 3 से 4 गाड़ियों को लोगों का ये मिक्सअप से लग रहा है। और हाँ, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, एल्टुरा G4 या फिर मारुति की वेगनार या फिर MG क्लस्टर? अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ इन नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की लीक पिक्चर्स में आपको काफी सारी खामियां वो देखने मिलेंगी, क्योंकि ये प्रोडक्शन मॉडल है। वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी खामियां हैं और कंपनी किस प्रकार से इस गाड़ी को प्रेजेंट करना चाह रही है। एंड फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो रिलेटेड जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। हमारे इस चैनल पे आपको नई नई गाड़ियों के रिलेटेड उनके लीक पिक्चर्स और उनके इंजन स्पेसिफिकेशन और आपको प्राइस वगैरह वो बताई जाती है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये जो लोगो है वो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के प्रोडक्शन मॉडल पे लगा हुआ है। पहले महिंद्रा को कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि लोगो वगैरह चेंज किए। उसके बाद में जब XUV700 और इसकी स्कॉर्पियो की जो प्रोडक्शन बन गया था, उसके बाद में कंपनी ने अचानक से काम आया कि उन्होंने लोगो भी है वो इंट्रोड्यूस करना है नया वाला। उस वजह से यहाँ पे आपको पुराना वाला लोगो लगा हुआ नजर आएगा। साथ ही ये प्रोडक्शन मॉडल है, इसके अंदर आपको कुछ खामियां दिखेंगी। आपका रियर जो लुक है आप देखेंगे तो रियर डोर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ऐसे इस प्रकार से लगेगा जैसे ही कंपनी ने बाद में इसके अंदर लगाया है। तो ये प्रोडक्शन मॉडल है। आप 2 चीज नोटिस करोगे, रियर के अंदर आपको एक तो पुराने वाले लोगों की जो राउंड शेप के अंदर हाउसिंग दी गई है, जबकि जो नया वाला लोगो है आपको ज्यादा M के अंदर आपको काफी अच्छे लुक के अंदर मिलता है, उस प्रकार की यहाँ पे किसी प्रकार का आपको जो हाउसिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही दूसरी चीज आप नोटिस करोगे, जो बूट पे यहाँ पे आपको होल दिखेंगे आपको वाइपर के ऊपर, तो यहाँ पे भी या तो क्रोम एक्सेसरीज आपको लगी हुई कंपनी प्रोवाइड करवाएगी या फिर आपको कोई ब्लैक पार्ट वगैरह मिलेगा। एंड अब इसके दूसरी खामी की बात करें तो आपको पुरानी वाली स्कॉर्पियो के अंदर आपको हाइड्रोलिक बोनेट मिलता था, जबकि इस वाली के अंदर आपको मैनुअली इसको लगाना पड़ेगा। आप एक एक करके सारे इसके लुक वगैरह की बात करें कि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर आपको कितने मॉडल्स के अंदर ये गाड़ी मिलेगी और कौन कौन से इसके अंदर फ्रंट लुक रहने वाले हैं। पहला जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं ये आपको टॉप मॉडल से एक नीचे वाला मॉडल रहने वाला है। इसके अंदर आपको फोग लैंप नहीं मिलेंगे, जबकि आपको प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प जरूर मिलने वाले हैं। एक आपका प्रोजेक्टर रहेगा, जबकि हाई बीम इसकी आपकी रिफ्लेक्टर बेस्ड LED रहने वाली है। नीचे के अंदर आपको फोग लैंप और DRL नहीं मिलेंगे, कंपनी को दे देने चाहिए थे। और साथ ही इन्हीं हेडलाइट्स के अंदर आपको मैट्रिक्स के अंदर इंडिकेटर मिलने वाले हैं, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। रियर के अंदर आप बात करें तो रियर के अंदर भी आपको इसकी टेल लाइट के अंदर मैट्रिक्स आपको इंडिकेटर मिलेंगे, साथ ही बड़ी सारी आपको LED मिलेंगी। रोल बाग के अंदर नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की जो लाइट्स है वो ऑलरेडी आ चुकी है। पीछे की जो लाइट्स है वो आपको नीचे के बंपर के अंदर मिलेंगी, साथ ही आपको छोटा सा रिफ्लेक्टर दिया गया है। पुरानी के अंदर इतना क्रोम आपको देखने नहीं मिलता था, लेकिन नई वाली के अंदर आपको काफी सारा क्रोम का इस्तेमाल वो किया गया है। साथ ही आप पीछे की बात करें तो पीछे की ओर आपको वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह सारे फीचर वगैरह मिलने वाले हैं। साथ ही आपको डोर हैंडल्स पे थोड़ी सी आपको क्रोम मिलेगी, पूरे जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम के अंदर नहीं मिलने वाले, आपको मिनिमम सी क्रोम है वो देखने को मिलेगी। साइड के अंदर आपको 17-inch अलॉय व्हील मिलेंगे, ये आपके अगेन डुअल टोन कलर के अंदर रहेंगे। आप अलॉय व्हील पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको अगेन जो महिंद्रा का पुराना वाला लोगो है वो नजर आ रहा है। एंड आप साइड की बात करें तो आपको नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर बड़ी सारी साइज के अंदर आपको ORVM देखने को मिलेंगे। ये स्कॉर्पियो की USP है कि स्कॉर्पियो के अंदर पहले भी काफी सारे बड़े ORVM है वो आपको देखने को मिलते थे, अगेन अभी वाली स्कॉर्पियो के अंदर भी आपको बड़ी साइज के अंदर ORVM है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही टर्न इंडिकेटर 360 डिग्री कैमरा आपको इंटीग्रेटेड ORVM पे मिलने वाला है। अब साइड की ओर बात करें तो आपको इस बार जो स्किड प्लेट वगैरह है, साइड बॉडी मोल्डिंग वगैरह, ये आपको सिल्वर और ब्लैक के अंदर दे दी गई है। और साथ ही आपको डोर विंडो गार्निश है वो मिलने वाली है, ये अगेन आपकी टॉप मॉडल के अंदर मिलेगी, नीचे वाले मॉडल्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। अब इसके मॉडल की बात करें तो पुरानी स्कॉर्पियो के अंदर आपको ये S3, S5, S7, S9 और S11 के अंदर देखने मिलती थी। उससे पहले जब नेक्स्ट जनरेशन आई थी 2012 के अंदर, उसके अंदर ही आपको S4, S6, S6 प्लस, S8 और S10 के अंदर देखने मिलती थी। लेकिन इस बार नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो में कुछ इस प्रकार की जो वेरियंट नाम है वो नहीं होने वाले हैं, कंपनी इनका नाम भी है वो भी चेंज करने वाली है। अब आपको नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो MX, AX3, AX5, AX7 और इसका टॉप एंड रहेगा AX7 लग्जरी पैक जैसे नाम के अंदर आपको देखने मिलेगी। टोटल आपको 5 से 6 वेरिएंट्स अलग अलग आपको मिलने वाले हैं। साथ ही इस बार कंपनी आपको पहली बार पेट्रोल के अंदर भी जो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो है वो भी प्रोवाइड करवाने वाली है, साथ ही आपको 4x4 का ऑप्शन भी मिलेगा। तो इस तरीके से करके आपको 13-14 मॉडल है वो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को देखने को मिलेगी। 5-6 आपके पेट्रोल के होंगे और यही सेम 5-6 आपके डीजल के होने वाले हैं। एंड अब इसके कलर्स की बात करें तो
तो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो का जो ट्रीजर है वो आपको एक्वा मरीन कलर के अंदर लॉन्च किया गया है। ऑलरेडी ये कलर आपको महिंद्रा थार के अंदर देखने में मिलता है, लेकिन एक्वा मरीन कलर है वो इंडियन लोगों द्वारा इतना ज्यादा थार के अंदर नहीं खरीदा गया है। थार ब्लैक कलर के अंदर या फिर ग्रे कलर के अंदर ज्यादा लोगों के द्वारा खरीदी जाती है। मे बी रेड कलर के अंदर काफी लोग खरीदते हैं, लेकिन एक्वा मरीन कलर है वो लोगों के द्वारा थार में इतना ज्यादा नहीं खरीदा जा रहा है। लेकिन कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि वो स्कॉर्पियो के अंदर भी इस कलर को लॉन्च कर रहे हैं और ट्रीजर के अंदर कंपनी लेके आई है। तो जब भी कंपनी किसी भी गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट करती है तो इस प्रकार का कलर लेके आती है जो काफी लोगों को पसंद होता है। जैसा कि हमने XUV700 के साथ में देखा था कि कंपनी ने जब इस गाड़ी को लॉन्च किया था तो उसको मिडनाइट ब्लैक कलर के अंदर लॉन्च किया था और काफी लोग उस कलर को पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको दो फीचर मिल जाते हैं। एक तो दिन के अंदर उस गाड़ी को देखोगे तो आपको वो ब्लू नजर आएगी, एंड उसी गाड़ी को अगर आप नाइट के अंदर देखोगे तो वो गाड़ी आपको ब्लैक नजर आएगी। तो आपको दो कलर उस गाड़ी के अंदर देखने मिल जाते हैं जो लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। मे बी ये कलर का जो टेस्ट है वो अलग अलग हो सकता है, मे बी आपको पसंद आए या फिर नहीं आए। कलर ऑप्शन की बात करें तो पहला आपका रहेगा रेड रेंज, सेकंड आपका मिस्टी कॉपर, थर्ड आपका गैलेक्सी ग्रे, फोर्थ आपका नेपोली ब्लैक। नेपोली ब्लैक कलर आपको पहले भी की स्कॉर्पियो के अंदर भी देखने में मिलता था। रॉकी बेज और पर्ल आर्टिक व्हाइट कलर भी आपको नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर देखने में मिलेंगे। एंड अब नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के इंजन ऑप्शन की बात करें तो कंपनी आपको दो इंजन ऑप्शन अवेलेबल करवाने वाली है। पहला आपका रहेगा एमओ का 2.2 लीटर फोर सिलेंडर 2184 सीसी का डीजल इंजन जो आपको 130 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। एंड सेकंड इंजन ऑप्शन की बात करें तो पेट्रोल के अंदर रहने वाला है। इसके अंदर आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर 1997 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो आपको 120 bhp की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। माइलेज वगैरह की बात करें तो ये इंजन आपको 8 से लेकर 12 kmpl की माइलेज है वो सिटी और हाईवे के अंदर दोनों के अंदर मिक्सअप आपको निकाल के दे देगा। अब इस गाड़ी के फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फीचर वगैरह आपको ऑलरेडी पता है। आपको सनरूफ, वायरलेस चार्जर, लेदर सीट्स, आपको डुअल जोन एसी, क्लाइमेट कंट्रोल, आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह, ये सारे फीचर आपको ऑलरेडी पता है। 6 एयरबैग वगैरह, इतने आपको ज्यादा सारे स्पीकर मिलने वाले हैं। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको नई स्कॉर्पियो के अंदर 4456 mm की लेंथ मिलेगी, 1820 mm की विड्थ मिलेगी, 1995 mm की इसके अंदर आपको हाइट मिलने वाली है। साथ ही इसके व्हील बेस की बात करें तो आपको 2600 mm का व्हील बेस मिलेगा और साथ ही 2510 kg का इसके अंदर आपको ग्रॉस वेट मिलने वाला है। साथ ही 60 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी नई स्कॉर्पियो के अंदर देखने में मिलेगी। अब इस गाड़ी की प्राइस वगैरह के बारे में बात करें तो सबसे पहले जब नेक्स्ट जनरेशन पुरानी वाली इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी तो 2015 के अंदर यही सेम गाड़ी आपको 7,98,000 रुपए से लेकर 11,46,000 रुपए की ऑन रोड पड़ा करती थी इसका टॉप मॉडल। लेकिन कंपनी मल्टीपल टाइम स्कॉर्पियो की प्राइस वो बढ़ाती चली गई। नहीं, अब ये सेम गाड़ी आपको 13,53,000 रुपए से लेकर 18,60,000 रुपए की पड़ती है। एक टाइम ऐसा भी था कि इस गाड़ी का जो टॉप मॉडल आपको 11 लाख के समथिंग आ जाया करता था, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी प्राइस स्कॉर्पियो की मल्टीपल टाइम कंपनी की तरफ बढ़ाई गई है। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के एस्टिमेट प्राइस के बारे में बात करें तो ये गाड़ी आपको कंपनी 13 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए एक्स शोरूम में वो अभी अवेलेबल करवाने वाली है। लेकिन बाद में कंपनी मल्टीपल टाइम अपनी जो गाड़ियों की प्राइस है वो बढ़ाती चली जाएगी, जैसा कि उन्होंने XUV700 के साथ में किया है। जब ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी तो आपको काफी कम प्राइस के अंदर महिंद्रा लॉन्च करके देगी, लेकिन बाद में गाड़ी की प्राइस वो बढ़ाती चली जाएगी, क्योंकि अभी कंपनी स्टार्टिंग के अंदर गाड़ी को काफी ज्यादा प्राइस के अंदर वो लॉन्च नहीं कर सकती है, क्योंकि लोगों की ये मेंटेलिटी बन जाएगी कि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से लोग खरीदेंगे नहीं। तो लॉन्च के टाइम आपको प्राइस वो थोड़ी कम देखने में मिलेगी, लेकिन लॉन्च के बाद में इसके अंदर लॉन्च प्राइस के अंदर और जो 1 से 1.5 साल बाद के अंदर देखोगे तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस है वो लॉन्च प्राइस के अंदर भी देखने को मिलेगा। एंड आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के इंडियन मार्केट के अंदर आने के बाद क्या इस सेगमेंट में और गाड़ी को टक्कर दे पाएगी, और क्या इस गाड़ी के मार्केट में आने से और गाड़ी की सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उनकी सेल्स को ये गाड़ी ब्रेक कर पाएगी? अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।